नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों आज हमारे पास देखिए ये एक होम थिएटर है, मिनी होम थिएटर है, जो आपने देखा होगा कि ऑक्स वाला होता है और कंप्यूटर के लिए बनाया गया था ये। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटपुट के अंदर इसके अंदर दो स्पीकर लगा रखे हैं, ये हमारी इनपुट है जो हमारा ऑक्स होता है। तो ऑक्स में पहले मैं आपको चला कर दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ऑक्स लगाया और यहाँ पर मैं मोबाइल लगा लेता हूँ इसके अंदर और आपको चला के दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो यहाँ पर हम पहले से चालू कर लेते हैं और वॉल्यूम को यहाँ मैं थोड़ा सा फुल कर देता हूँ। तो ये देखिए ऑडियो तो आ रही है यहाँ पर। अब मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि आपको इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए मैं इसका वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ। देखिए इसमें सॉन्ग तो चल रहे हैं लेकिन इसके अंदर देखिए मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये आवाज़ आ रही है लेकिन ये आवाज़ खाली हमारी दोनों स्पीकर के अंदर ही आ रही है, जो हमारा बूफर है वो नहीं चल रहा है। ये देखिए जो हमारा सेटेलाइट वाला लीड है, मैं अगर इसे निकाल देता हूँ तो यहाँ पर देखिए बूफर के अंदर कोई भी साउंड नहीं है। तो हमें इसे ही रिपेयर करना है। खोल के देखते हैं इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो इनको मैं साइड कर देता हूँ अभी और इसी को हम देखते हैं कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है। अब मैं आपको देखिए इस बॉक्स को पूरा खोल के दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है और कैसे है और कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको पूरा ओपन करता हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए, और इसके अंदर जो आईसी है हमारी वो 2025 आईसी है, TD2025। तो यहाँ पर देखिए स्पीकर लगा हुआ है 8 ohms और 10 watt का। तो इसके अंदर आवाज़ नहीं आ रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको यहाँ पर बाहर निकाल के स्पीकर की वायर को और स्पीकर को चेक करेंगे मल्टीमीटर से कि कहीं हमारा स्पीकर तो ख़राब नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारा स्पीकर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए मल्टीमीटर को लेंगे और मल्टीमीटर को हम बीप वाली रेंज पर रख देंगे कंटिन्यूटी पर। और यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में यहाँ रख देता हूँ जिसे कि आपको दिखाई दे जाए। और तो यहाँ पर हम स्पीकर को चेक करते हैं। तो इसके अंदर 3 इंची का बूफर लगा हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से चेक करता हूँ जो आपको रीडिंग दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग हमें शो नहीं हो रही, यानी कि जो हमारा बूफर है वो ख़राब है। तो हम बूफर को चेंज करके देखते हैं कि जो साउंड है वो हमें सही से मिलता है नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चेंज करने के लिए दूसरा बूफर ले रहा हूँ, ये रहा देखिए, ये भी हम वही लगाएंगे जो इसके अंदर लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 8 ohms 10 watt का। अब देखिए यहाँ पर मैं मल्टीमीटर लगाता हूँ और देखिए इसके अंदर रीडिंग आएगी, क्योंकि स्पीकर जब सही होता है तभी उसके अंदर रीडिंग आएगी और अगर ख़राब होगा तो कोई रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि ये स्पीकर के ओम्स दिखाता है। अब देखिए 8 ohms का स्पीकर है, 8 ohms लिखा हुआ है ये देखिए, और 8 ही वहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्पीकर ये सही है, ये भी हमारा देखिए इंटेक्स का ही स्पीकर है और ये भी हमारा इंटेक्स का है। तो इसके अंदर हम यही स्पीकर लगाएंगे, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अगर हम जो कंपनी का सामान है अगर वही लगा देते हैं तो हमारा जो ऑडियो है उसमें बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वही साउंड क्वालिटी हमें इसके अंदर मिलेगी। क्योंकि देखिए मैग्नेट भी दोनों का सेम है और ओम्स भी दोनों का सेम है। तो मैं यहाँ पर इस स्पीकर को निकाल के इसको लगा लेता हूँ फिर। तो देखिए दोस्तों बूफर हमने चेंज कर दिया है इसका, ये देखिए। तो इसके अंदर बूफर की ही प्रॉब्लम थी खाली, और देखिए इसके अंदर बूफर चेंज हो गया, ये देखिए आवाज़। और मैं पूरा ही आपको देखिए पूरा इसका जो सैटेलाइट का सिस्टम है वो लगा के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।